हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद फरीन। लास्ट वीडियोस में हम लोग नेशनल इनकम से रिलेटेड 3 डिफरेंट मेथड्स देख चुके हैं। अभी उन डिफरेंट मेथड्स से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, अभी हम देखते हैं कि कौन से मेथड का है। ये चीज़ क्वेश्चन में आपको ज़रूरी नहीं है कि गिवन हो कि आप वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व करो या किसी भी मेथड से, आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा। तो वो भी बहुत इजी है, जैसा आपको क्वेश्चन में दिख रहा है यहाँ पे। सबसे पहले जैसे सब्सिडी दे रखा है, सब्सिडी कहाँ यूज़ होता है पता नहीं। अभी सेल्स है, सेल्स हमारा वैल्यू एडेड मेथड में यूज़ होता है, ठीक है। तो सेल्स आपका कहाँ हो गया, सेल्स आपका हो गया ये वैल्यू एडेड मेथड का है, ठीक है। डेप्रिसिएशन कहीं भी हो सकता है, एक्सपोर्ट आपका कहीं भी हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक आपका वैल्यू एडेड में आता है, ठीक है। वैसे तो कहीं भी हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक वैल्यू एडेड मेथड में हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू एडेड में हो गया। मतलब वैल्यू एडेड का इतना सारा दिख गया, तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे, वैल्यू एडेड मेथड लगाएंगे। वैल्यू एडेड मेथड से क्या फाइंड आउट होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अभी क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे डायरेक्ट तो गिवन नहीं है, तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। आपको डायरेक्ट गिवन है इंटरमीडिएट कंजप्शन 500 जो आपने पुट कर दिया। अभी देखो परचेजेस इंटरमीडिएट में आता है, लेकिन यहाँ पे परचेजेस ऑफ मशीनरी इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि मशीनरी आपके फिक्स्ड एसेट्स होती है, ठीक है, तो इसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद क्या है, सेल्स, सेल्स की वैल्यू पुट की आपने 800, क्लोजिंग चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। माइनस 500 आपका चल ही रहा है, 800 प्लस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पुट करा, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू पुट करा, इनको सॉल्व करना आता है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 270। 270 किसकी वैल्यू आई है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस विच इज़ इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को हम क्या बोलते हैं, NDPHFC। आपको NDPHFC चाहिए, आपको GDPHMP मालूम है। जी से एन पे जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस का डैप करते हैं। जी से एन पे जाने के लिए आपने माइनस डैप किया, फिर DPDP सेम है, फिर MP से FC पे जाने के लिए आपने माइनस का NIT किया। डैप की वैल्यू गिवन है, NIT गिवन नहीं है डायरेक्ट, तो आप इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी पुट करोगे। इनडायरेक्ट आपको इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है, तो उसका वैल्यू आप जीरो पुट करोगे। ये माइनस यहाँ प्लस हो गया, इसको कैलकुलेट किया तो आपको NDPHFC आ गया। तो ये तो था आपका वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो अभी खुद आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा मेथड लग सकता है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखो क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे तो क्या क्या लिखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपका कौन सा मेथड में आता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपका आता है इनकम मेथड में। वेजेस इन काइंड इनकम मेथड का पार्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स कहीं भी चलता है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये किस में आता है, ये तो आपका एक्सपेंडिचर मेथड में आता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम मेथड का पार्ट है। मिक्स्ड इनकम इनकम मेथड का पार्ट है। ये कहीं भी चलता है, कहीं भी चलता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है इनकम मेथड के इतने सारे पार्ट है, मतलब हम यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इनकम मेथड। इनकम मेथड से क्या चीज़ फाइंड आउट होती है आपकी, NDPHFC। NDPHFC का फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको डायरेक्ट गिवन है 13,300 आपने पुट कर दिया। अभी क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी यहाँ नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको दिख रही है, क्या दिख रही है, ऑपरेटिंग सरप्लस। आप ऑपरेटिंग सरप्लस को पुट कर सकते हो, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में आपको मालूम है कि इन तीनों चीज़ों को ऐड करने से आपका क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। और हमने जब इस रिलेटेड इनकम मेथड को पढ़ा था सेपरेटली, तो हमने ये भी आपने ध्यान दिया होगा कि रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट यहाँ तो गिवन नहीं है, इसलिए आप ऑपरेटिंग सरप्लस ले रहे हो। लेकिन अगर ये तीनों चीज़ गिवन होती और ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन होता, तो आप ऑपरेटिंग सरप्लस को ही प्रेफरेंस देते, इन तीनों को इग्नोर करते, ठीक है। अभी तो है ही नहीं, तो इग्नोर भी नहीं करना पड़ेगा। अभी ऑपरेटिंग सरप्लस लिया, मिक्स्ड इनकम की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से पुट कर दी। इसको सॉल्व करना सबको आता है। आंसर आया NDPHFC 34,400।
अभी क्या है, फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं, NNP@FC। अब NNP@FC चाहिए और हमारे पास है क्या, NDP@FC। पहले ही बताया था कि जो वैल्यू नोन है वो आपकी राइट हैंड साइड पे, जो नहीं पता वो लेफ्ट हैंड साइड पे। एन से एन कैंसिल, डी से एन पे जाना है। डी से एन पे जाने के लिए क्या करते हैं, ये वी वाला शेप पता है ना, GDMP, डी से एन पे जाना है तो क्या होगा, प्लस NFIA। तो NFIA आपने प्लस कर दिया, आपका आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, इसके बाद हमारा ये वाला अगर क्वेश्चन आप देखोगे, इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट मीन्स GDP@FC आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो ये कैसे देखेंगे, ये देखो क्या क्या दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 800। ठीक है, ये किसका पार्ट है, कौन सा मेथड का पार्ट है, ये एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कौन सा मेथड का पार्ट है, एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। चेंज इन स्टॉक कहीं भी चल जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहीं भी चल जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहीं भी। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर का पार्ट है, एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ये कहीं भी चल जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले आप फाइंड आउट क्या करते हो, GDP@MP। फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। अभी क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वैल्यू दे रखी है 800, आपने पुट कर दिया। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन की वैल्यू आपको दे रखी है 450, वो आपने पुट कर दिया। अभी क्या है, ग्रॉस आपको चाहिए क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब सिर्फ नेट को ग्रॉस बनाना है। ठीक है, तो नेट को ग्रॉस बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, तो ये हमने लिख दिया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप। ठीक है, अभी इसमें क्या, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट एक्सपोर्ट की वैल्यू है -30, आपने पुट कर दी। इसको सॉल्व करा, आपका आंसर आया 1420। अभी ये क्या आया है, ये आया है GDP@MP। अभी ये GDP@MP की वैल्यू आ गई, हमको चाहिए क्या, GDP@FC चाहिए। GDP@FC जो नहीं पता हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, जो मालूम है GDP@MP वो राइट हैंड साइड। अभी G से G कैंसिल, D से D कैंसिल, MP से P कैंसिल। MP से कहाँ जाना है आपको, MP से FC पे जाना है। MP से FC पे जाने के लिए क्या करते हैं, -NIT। तो GDP@MP का वैल्यू पुट करा, -NIT का वैल्यू पुट कर दिया। NIT आपका कितना है, 120। तो 1420 -120 -1300। तो आपका आंसर क्या आया, 1300। तो ये तीन अलग अलग मेथड आपने यूज़ करके तीन न्यूमेरिकल सॉल्व करे। अभी इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इन न्यूमेरिकल से रिलेटेड, बाकी और भी न्यूमेरिकल ट्राई करना, अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है क्लास, थैंक यू।